मेरी तारीफ हुई है। क्या, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हारे लिए सच में बहुत खुश हूँ नोबिता। अच्छा बताओ तुम्हारा स्कोर क्या था? मुझे जीरो मिला है। क्या, तुम्हें एक जीरो मिला है? पर तुमने तो कहा कि तुमने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला और मैं तो यूं ही तुम्हारे लिए खुश होकर आंसू बहाने लगा। डोरेमोन, पहले मेरी पूरी कहानी तो सुन लो। अच्छा सुनाओ अपनी कहानी। नोबिता, ये एक नया रिकॉर्ड है। अरे सर, ये आप क्या कह रहे हैं? तुम पहले हर टेस्ट में जीरो लाते थे, अब तुम्हें कभी कभी जीरो मिलता है। इसी तरह मेहनत करो, तुम्हें जीरो मिलना बंद हो जाएगा। क्यों, ठीक है ना? जी। ओह, मैं अब समझा, तो ये तुम्हारा रिकॉर्ड है। क्यों, है ना ये कमाल की खबर। मैं अभी मॉम को दिखाता हूँ। एक मिनट रुक जाओ नोबिता। अब क्या प्रॉब्लम है? जरा सोचो, ये सच है कि तुम्हें बहुत टाइम के बाद जीरो मिला है, लेकिन क्या मॉम डैड इससे खुश होंगे? हाँ तुमने सही कहा, मुझे जरूर डांट पड़ेगी। लेकिन फिर भी ये खुशी का मौका है, तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए? तुम्हारा क्या ख्याल है नोबिता? मेरा ख्याल है कि ये टेस्ट पेपर मुझे छुपा लेना चाहिए। हाँ, नया रिकॉर्ड बनाना कितना अच्छा काम है। ऑलराइट, देखो मैं आ गया। लेकिन तुम कहाँ गए थे डोरेमोन? अरे वाह, ये तो डोरा केक से भरा हुआ है। देखो ये एक प्रीमियम डोरा केक है। थैंक यू। जब तुम इसे बंद कर दो तो ये फिर से श्रिंक हो जाता है। चलो नोबिता, अब हम तुम्हारे नए रिकॉर्ड को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, ये अब तुम ऐसे नए रिकॉर्ड बनाते रहना, ठीक है? बिल्कुल बनाता रहूँगा। अच्छा, मुझे जूस मिलेगा? मैं ये देख कर आता हूँ कि और सेलिब्रेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। डोरेमोन के गैजेट्स तो सचमुच कमाल के हैं। अरे ये कैसी आवाज है, अभी देखता हूँ। ये क्या हो रहा है? ओह नो, आखिर तुमने मुझे पकड़ ही लिया। क्या कर रहे हो? जरा इधर तो देखो। अरे ये तो क्लैम है, इसके जैसा लगता है। नहीं, इस बार इसमें कोला, जूस, सब कुछ है, जो चाहिए ले लो। अरे वाह, क्या ये कोई कैप्सूल है? हाँ, ये एक तरह का टाइम कैप्सूल है। इसे बंद करने के बाद ये अपने आप जमीन के अंदर चला जाता है, और डोरा केक्स भी कैप्सूल के अंदर टाइम रुक जाता है। इसका मतलब हम इसके अंदर जो भी रखेंगे वो हर वक्त बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहेगा। अच्छा, क्या तुम मुझे एक खाली क्लैम दे सकते हो? हाँ जरूर, लेकिन मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ, वो हमेशा की तरह कोई शरारत करेगा। ये लो। मुझे पहले ही पता था ऐसा ही कुछ होगा। क्यों नहीं, आखिर मैंने टेस्ट में एक नया रिकॉर्ड बनाया है डोरेमोन। वैसे भी ये सेलिब्रेशन है ना? ये जरूर मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है। ये लो। ओह, मुझे ये वाला चाहिए। लेकिन नोबिता, ये तो सबसे बड़ा वाला है। फिर मैं इसके अंदर अपने बहुत सारे टेस्ट पेपर छुपा सकता हूँ। ये मुझे पता था। अरे वाह, ये नीचे जा रहा है, ये तो कमाल हो गया। अब तो मुझे मॉम के बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सही कहा। ओ नहीं, अब मैं क्या करूँ? मैं तो ये सब इसलिए ले आई थी क्योंकि ये सेल में अवेलेबल थे, लेकिन समझ नहीं आता कि अब इन्हें कहाँ स्टोर करूं। क्या हुआ मॉम, इतना सारा सामान, इतनी सारी जूस बॉटल, पैक्ड फूड, यहाँ क्या हो रहा है? अरे मैं ये सामान इसलिए लेकर आई थी कि हम इन्हें इमरजेंसी राशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अगर कोई बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ जाए तो। अगर मैं इसे घर में रखती हूँ और आग लग जाती है तो ये सामान बर्बाद हो जाएगा। अब मैं क्या करूँ? हाँ, मैं संभाल लूंगा। ओह नो, ये लड़का फिर शुरू हो गया। सच में तुम ये सारा सामान संभाल लोगे नोबिता? आप चिंता मत कीजिए। अरे वाह नोबिता बेटा, तुमने तो मेरी चिंता मिटा दी। लगता है कि जो तुम करने जा रहे हो वो सही है। मॉम की मदद करने में आखिर क्या बुराई है डोरेमोन? क्या ये सामान सच में यहाँ फिट हो जाएगा? ये इतना आसान है। मॉम, इसके बाद हम इसे जमीन के अंदर छुपा देंगे। मॉम, क्या हम आपके पैसों को भी अंदर छुपा दें? क्यों? नहीं नहीं, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। वैसे कहना पड़ेगा, ये गैजेट बड़ा कमाल का है। इस गैजेट का इस्तेमाल मुझे दुनिया की मदद के लिए करना चाहिए। वैसे भी मेरी जिंदगी का यही मिशन है। डोरेमोन, बाय बाय। मेरी समझ में नहीं आता ये नादान लड़का दुनिया की मदद कैसे करेगा। मैं जानता हूँ ये कहाँ जाएगा। मुझे इस बारे में नहीं पता,
तुम्हें पता नहीं है ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास जरूर कोई कीमती चीज होगी शिजुका, सोचो ना, कोई डायमंड रिंग या कीमती डॉल। नहीं है नोबिता। ओ जरा एक मिनट रुको नोबिता, सुनो तो सही। हाँ क्या तुम्हारे पास कुछ है शिजुका? कुछ खास नहीं, मेरे पास एक डायरी है नोबिता, ये घर पे थी और तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे पीछे से इसे पढ़ने की कोशिश की। हाँ तुमने सही कहा, और मैं नहीं चाहती थी कि वो इसे पढ़े। तुम चिंता मत करो, अगर तुम इसे इस क्लैंप पैक में रख दोगी तो कोई नहीं पढ़ पाएगा, समझी? हाँ जब तुम्हें ये चाहिए होगा तो इसे खोद के निकाल लेना और दोबारा रख देना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नोबिता। इसमें बड़ी बात नहीं है शिजुका, तुम तो मुझे शर्मिंदा कर रही हो। अच्छा मुझे होमवर्क करना है, मैं चलती हूँ, ठीक है? हाँ बाय। अच्छा फिर मिलेंगे शिजुका, अभी मुझे दूसरों की मदद भी करनी है। ओ, क्या ये क्लैंप ये काम कर सकता है? अरे सुनो नोबिता, इसको मैं अपने पास रखता हूँ। और हाँ सुनो, मेरे पास खर्च करने के लिए इतने पैसे हैं कि मैं जो भी खिलौने और कॉमिक्स चाहूँ खरीद सकता हूँ, और वो भी बिना किसी परेशानी के, समझे तुम? इसलिए मेरे पास मेरे रूम में ज्यादा स्टोरेज की जगह नहीं है, समझे? मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। देखो मेरे पास खिलौने रखने की जगह नहीं है, इसलिए अगर तुम चाहो तो इनमें से कुछ खिलौने ले सकते हो। क्या सच में? ये भी लो। हाँ शायद इतना काफी होगा। अच्छा फिर इसे अंदर डाल दो। चलो चलकर इन्हें दफनाते हैं। ओके। तो सुनियो तुम मैंने कहाँ छुपाओगे? देखो नोबिता, हमारा यार्ड बहुत बड़ा है तो हम इन्हें कहीं पे भी दफना सकते हैं। ये जगह कैसी रहेगी नोबिता, क्या इन्हें यहाँ पर दफनाना ठीक रहेगा? तुम बस इन्हें जमीन पर बिखेर दो और ये अपने आप जमीन के अंदर चले जाएंगे। हाँ? अरे नोबिता ये तो अपने आप ही अंदर धंस रहे हैं, ये तो बहुत मजेदार है, ये भी लो। ये मैंने ऐसी जगह पर छुपाया है जहाँ पर किसी को कभी भी पता नहीं चलेगा, अब मैं जाकर तसल्ली से टॉयज और कॉमिक्स खरीद सकता हूँ। हुर्रे! अरे सुनियो तुम्हें अचानक क्या हो गया? वो देखो जियान वहाँ है। नोबिता गजब हो गया, जियान ने हम दोनों को देख लिया है। क्या जियान ने देख लिया? मुझे पता है वो जरूर बाद में आएगा इन्हें खोदने के लिए, उसे हर हाल में रोकना होगा। प्लीज कुछ करो नोबिता, तुम ही मेरे टॉयज और कॉमिक्स बचा सकते हो। अब मैं क्या करूँ? डोरेमोन से बात करता हूँ। तुम्हारा मतलब क्या है? एक टूल जिससे कोई और तुम्हारे क्लैंप्स खोद नहीं सकता? तुमने सही सुना, जियान सुनियो के पीछे पड़ा हुआ है और सुनियो बहुत परेशान है। ये कोई नई बात नहीं है, मेरे गैजेट से तुम हर बार कोई ना कोई गड़बड़ कर देते हो। सुनियो मैं आया। तुमने ऐसा कॉस्ट्यूम क्यों पहना है? जियान मेरा दुश्मन है, तुम्हें तो पता ही है नोबिता, इसीलिए। देखो डोरेमोन ने कहा कि हम इन्हें आसपास बिखेर दें। लेकिन ये तो क्रैब्स हैं, क्या तुम्हारे क्रैब्स टॉयज और कॉमिक्स बचा पाएंगे? चिंता मत करो, आखिर डोरेमोन ने ऐसा कहा है। अब हम लोग रिलैक्स कर सकते हैं, अगर बुरा ना मानो तो क्या तुम मुझे पीने के लिए कुछ दे सकते हो प्लीज? हाँ हाँ जरूर नोबिता, लेकिन ये बताओ कि ये काम करेंगे ना? नोबिता जरा मुझे बताओ कि तुम्हें अपने क्रैब्स पर पूरा भरोसा है? अरे सुनियो इतनी चिंता मत करो, ओके? बचाओ बचाओ मुझे, कोई मुझे इनसे बचाओ। अरे अरे इनको हटाओ यहाँ से। सुनो नोबिता, तुमने मेरे टॉयज को जियान से बचा लिया, थैंक यू। अभी तो मुझे बाकियों की मदद भी करनी है। हाँ ओह डिनर बनाने का टाइम हो गया है। ओ, पता नहीं मैंने वो चीजें कहाँ रख दी जो मैं आज लाई थी। ओह लगता है मैंने इमरजेंसी सप्लाईज के साथ उन्हें आंगन में दबा दिया है। ओह नो, लगता है मुझे खुद जाकर उन्हें लाना ही होगा। चलो मुझे मिल ही गया, यही तो है वो। नोबिता भीना, मैं घर आ गया। नोबिता तुम्हारी मॉम कहाँ पर है? नहीं पता, मैंने भी उन्हें बहुत देर से नहीं देखा। क्या बहुत देर से? नोबिता बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है,
ये तो वो टेस्ट पेपर है जिसे मैंने सुबह दफनाया था। इधर देखो नोबिता, लगता है मॉम ने गलती से इमरजेंसी सप्लाई के लिए खुदाई की और वो उस क्लैम में गिर गई है। वो क्लैम जमीन के नीचे है। इसका मतलब मॉम क्या जमीन के नीचे है? वक्त बहुत कम है, हमें खोदकर उन्हें निकालना होगा। अरे एक सेकेंड रुक जाओ, उन्हें बाहर निकाला तो मुझे डांट पड़ेगी। नोबिता जल्दी से मुझे बाहर निकालो। तो तुमने क्या कहा था, तुम्हारी मॉम कहाँ पर है? हमें जल्दी कुछ करना होगा। प्लीज डोरेमोन जमीन की खुदाई मत करो। पर मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, बड़ी भूख लगी है। नहीं खोदना है। प्लीज डोरेमोन। देखो क्या है। बड़ी मैं हूँ लकी मैन। हाथ की रेख।